शाहजहांपुर जिले के तिलहर शहर इमाम ने नगर के लोगों से की घरों में रहने की अपील। शहर इमाम ने कहा, लोग घरों से बाहर न निकलें, सहरी बा इफ्तार घर में ही करें। बता दें कि रमजान शरीफ शुरू होने से पहले दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन एवं शहर इमाम हजरत मोहम्मद सवाल उर्फ शद्दन मियां कादरी ने तिलहर शरीफ समेत समस्त अहले सुन्नत मुसलमानों के लिए पैगाम जारी किया है कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें, सहरी और इफ्तार घर में ही करें, नमाज और तरावी भी घर में ही अदा करें और मस्जिद में उतने ही लोग जाएं जितने की प्रशासन ने इजाज़त दी है। बताते चलें कि दरगाह हजरत शाह लियाकत हुसैन फाजिले तिलहरी सज्जादा नशीन व शहर इमाम हजरत मोहम्मद सवाले से फोन पर बार बार राब्ता कायम कर 25-26 अप्रैल से शुरू होने वाले रमजान शरीफ के बारे में जानकारी चाही जा रही थी, जिसके सिलसिले में आज पैगाम के हवाले से कहा गया है कि मस्जिद में उतने ही लोग जाएं जितने की शासन प्रशासन ने इजाज़त दी है और ऐसा कुछ न करें जिस पर शासन प्रशासन को एतराज हो, और सभी लोग मुल्क की तरक्की व अमन के लिए दुआ करें और प्रशासन का सहयोग करें। पांचों वक्त की नमाज, नमाज़े जुमा और नमाज़े तरावी अपने अपने घरों में ही अदा करें और खुदा से दुआ करें।